मेरा एक प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को एक मैंने मतलब मिस्टेक किया है, जो मुझे पता है कि मैं ये चीज़ जो है गलत करता हूँ। और मैंने आपका प्राधिकरण के बारे में भी पढ़ा था कि जिसमें आप उस मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लो और ये डिसाइड कर लो कि ये मिस्टेक आप कभी दोबारा नहीं करोगे। ये भी मैंने किया, लेकिन एक हफ्ते तक रहा मेरे साथ कि मैंने ये मिस्टेक नहीं रिपीट किया। लेकिन उसके बाद भी मैं इतना अपने आप को मतलब स्ट्रांग नहीं बना पा रहा हूँ कि मैं वो गलती बारी बारी कर रहा हूँ। और मैं अपने आप को कैसे वो गलत मतलब इतना स्ट्रांग बनाऊँ कि मेरे से वो गलती दोबारा कभी ना हो और मैं अपने आप को उस जो पाप मैंने किया है उससे मैं उसको मुक्त कर सकूँ अपने आप को। अब एक बात समझना ज़रूरी है कि गलतियाँ जो हो जाती है कि हम करते हैं, सचमुच आप देखो हो जाती है, हमारी इच्छा तो नहीं है नहीं करने की। आपने तो स्ट्रांग निश्चय किया कि गलती हो गई, उसकी माफ़ी मांगी, निश्चय भी किया इसे गलती रिपीट नहीं करनी है, फिर भी हो गई। तो एक्चुअली क्या होता है कि गलतियाँ जैसे ओनियन है ना, ओनियन एक लेयर, कितने लेयर रहते उसके, 20 लेयर, 30 लेयर रहते हैं। एक लेयर निकाला वापस ऐसा ही ओनियन दिखेगा, दूसरा लेयर निकाला तो भी ऐसा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होते जाता है। तो गलतियाँ भी लेयर्स वाली है, बहुत सारे लेयर्स रहते हैं, किसी में 500 लेयर रहते हैं, किसी के 50 लेयर रहते हैं, और कोई बहुत स्टिकी रहेंगे गलतियाँ तो 50,000 लेयर्स रहेंगे। हस्बैंड वाइफ में तो ज़्यादा लेयर रहते हैं सबसे। नहीं भाई साहब बताते हैं ना, कितना भी अच्छा करो तो भी बोले तुम हमने हमारे लिए क्या किया, ज़्यादा स्टिकी हिसाब है। यहाँ पर मतलब मैं एक ही गलती के बारे में बात हाँ कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पर मतलब सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ कि वो हरकत क्या नहीं, गलती है। निवर इसका। तो मतलब यही है कि वो गलती एक ही है जो मेरे को पता है कि मैं कर रहा हूँ और ये मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ रिपीट होती है। मतलब मैं कोई अपने आप को इतना अंदर से मतलब इतनी मतलब स्ट्रांग नहीं बना पा रहा हूँ कि मैं उस गलती को रिपीट ना करूँ कभी दोबारा। नहीं, समझना है कि आपने जो पश्चाताप लिया तो उसका एक लेयर कम हुआ गलती का। 50,000, 5,000 है तो 5,000 में से एक लेयर, तो जो बाकी के बचे लेयर उसमें से वापस गलती होगी, दूसरी बार माफ़ी मांगी तो दूसरा लेयर कम होएगा। और 10 लेयर है तो 10 में से 8 बचेंगे, वापस माफ़ी मांगी तो एक लेयर कम, 7 बचेंगे 6 बचेंगे, और 0 हो गया तो बंद हो जाएगा वर्तन में, आचरण में दिखेगा ही नहीं। मगर ज़्यादा लेयर है तो वापस वापस दिखेगा। यानी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक सिंपल इक्वेशन में बताऊँ आपको सिद्धांत इसका, समझ लो एक आदमी सिगरेट पीता है, उसको लगता है सिगरेट पीना गलत है, नहीं पीना चाहिए, तो उसको भी छूटना है तो क्या करना चाहिए। तो आज सिगरेट पीना और पूर्वाभव में बीज डाला था उसने, सिगरेट पिएंगे मज़ा आएगी, इंप्रेशन हो जाएगा, फर्स्ट क्लास मगज फ्रेश हो जाता है। तो ये हाई सोसाइटी में रहते तो थोड़ा हमारे को भी ऐसे सब, कोई भी पूर्व लाइफ में ओपिनियन दिया उसने, इतने सारे ओपिनियन दिए तो इस लाइफ में वो ग्रंथि मन में सिगरेट की हो गई। अभी छोटा है 15-16 साल, तब से पीना चालू हो गया उसके। अभी उसको समझ में आया 22-25 साल में कि भाई ये गलत होता है, मेरा नहीं पीना चाहिए। अभी उसको नहीं पीना चाहिए, वो आचरण में बंद नहीं होएगा, क्योंकि आचरण पूर्व में जो बिलीफ थी उसकी, अभिप्राय था, उसका फल इस लाइफ में आया। अभी क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप उसका ओपिनियन चेंज करो, सिगरेट पीना गलत है। सेकंड स्टेप किस तरह गलत, कि कितना नुकसान होता है, डेंजर है, जोखिम है, कैंसर हो सकता है, पैसे की बर्बादी होती है, फैमिली डिस्टर्ब होता है, कोई रिलीजन में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारे चित्त की वृत्ति बिगड़ जाती है, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाए, कितने प्रकार से जागृति रखनी है कि किस प्रकार नुकसान करता है। थर्ड स्टेप, जितनी बार वृत्ति हो गई पीने की उसकी बार माफ़ी मांगो, हे दादा भगवान या जो भी कृष्ण भगवान को मानते हो, हे भगवान मुझे ये नहीं पीने की शक्ति दो, ये गलती है, माफ़ी मांगता हूँ। और चौथा स्टेप, प्रोटेक्शन मत करो। कोई बोलते हैं आप कभी सिगरेट पीते हो, सत्संगी हो, चाय नहीं, दूसरा कुछ नहीं, तम्बाकू नहीं, एक सिगरेट बस, खाने के बाद एक, रात को खाने के बाद एक, बस दो ही पीता है, बाकी कुछ नहीं करता। अरे वो ये प्रोटेक्शन क्यों करते हैं? उस टाइम पे बोलने का, मेरी गलती है, मेरी वीकनेस है, ये मैं गलती करता हूँ, मुझे भी छूटना है, यू आर करेक्ट, मेरी गलती है। तो ये पश्चाताप लेना, ये 4 स्टेप से एक दिन में नहीं जाएगा, धीरे 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 धीरे। वो 5,000 लेयर्स होंगे तो 5 5 और 50 लेयर तो 50 बार सिगरेट चलेगी, 15 बार होगी तो 15 चलेगी,
नया कॉजेज स्टॉप कर दिया, पुराना इफेक्ट खत्म हुई, बंद हो जाएगी।